अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग, आई नो आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और आज से पहले आपने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग पढ़ी नहीं। तो आज हम समझेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग हम क्यों पढ़े और उसको पढ़ने से हमें क्या फायदा हासिल होगा और क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव होंगे अकाउंटिंग पढ़ने से। ऑब्जेक्टिव तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, कोई और इंडस्ट्री है और केमिकल है, फर्टिलाइजर है और ऑयल एंड गैस है, कोई भी बिजनेस हो, मीडिया है, लेकिन अकाउंटिंग के बगैर वो डिपार्टमेंट, वो बिजनेस नहीं चल सकता। क्योंकि अकाउंटेंट ही वो लोग हैं जो फाइनेंशियल नंबर्स से खेल रहे होते हैं और वो हमें बता रहे होते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट या अकाउंटेंट हमें प्रोवाइड करेगा। अकाउंटिंग हमें बताएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, एक चीज हमने खरीदी, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फोन खरीदा, आईफोन था, स्लाइटली यूज था, हमने खरीदा किसी दोस्त से 25,000 का, सही है। 2 दिन के बाद एक और हमें मिला जानने वाला, वो कह रहा है यार ये फोन तो बड़ा अच्छा है, ये बेच रहे हो क्या? हमने बोला हाँ बेच रहे। भाई कितने का बेच रहे? हमने उसको बोला 30,000। वो कह रहा है 30,000 तो बहुत ज्यादा है, कुछ रीजनेबल बात करो तो मैं ले लेता हूँ। हमने उससे डील डन कर ली 27,000। फोन हमने बाय किया 25 में और 2 दिन के बाद यूज करने के बाद हमने आगे 27 में बेच दिया, सही है। तो वो जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 27,000 और हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 25, और जो 2,000 का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रॉफिट, सही है। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें, हमने 25 का फोन खरीदा और बाद में एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद हमने बोला यार ये फोन तो इतना अच्छा नहीं है, हम इसको बेच के कोई और ले लेते हैं। तो जब हमने इसको बेचने के लिए गए तो फॉर एग्जाम्पल ये फोन अब हमारा बिक रहा है 20,000 का, खरीदा था 25 का और अभी हम हमारा बिक रहा है 20 का। लेट सपोज हमारी कोई मजबूरी है, हमें बेचना ही बेचना है या हमें पैसों की जरूरत है या कोई और फोन चाहिए, तो हमने 25 वाला फोन 20 में बेच दिया, तो जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो ये तो एक ट्रांजेक्शन है, इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन अगर एक बिजनेस है जो वो हजारों यूनिट बेच रहे हैं, सही है, खरीद रहे हैं और वो पूरा एक बिजनेस का सेटअप चला रहे हैं, तो उनको मंथ एंड पे या क्वार्टर, 3 महीने के एंड पे या 1 साल के एंड पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सही है जी। व्हाट देयर बिजनेस इज वर्थ, अक्सर हम सुनते हैं यार न्यूज पे कि बिल गेट्स की वर्थ इतने बिलियन डॉलर हो गई और जो है वो अली बाबा वाले जैक मा की वर्थ इतनी हो गई और जो है वो मार्क जकरबर्ग की जो है वो इतनी वेल्थ कम हो गई, सही है, उसने उतनी चैरिटी कर दी। तो वो एक बंदे की नेटवर्थ कितनी है या एक बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी है, ये कौन बता सकता है हमें? ये अकाउंटेंट बता सकता है। व्हाट अ ट्रांजेक्शन वाज वर्थ टू देम, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेट सपोज एक फ्लाईओवर हम बना रहे हैं, सही है ना, शारे फैसल पे हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसकी जो वर्थ है वो क्या है, सही है ना, उसके ऊपर जो कॉस्टिंग होगी कि हमें वो कितने का पड़ेगा फ्लाईओवर बनाने का, और अगर हम आगे गवर्नमेंट से कितने पैसे चार्ज करेंगे, तो ये सारा काम कौन करेगा, कैलकुलेशन वाला अकाउंटेंट करेगा। हाउ मच कैश देयर, हमारे पास कैश कितना पड़ा है। अब देखिए मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे पता है मेरे पास कितना कैश जेब में है, कितना कैश बैंक में है, लेकिन अगर एक कंपनी है तो उनके 10-12 बैंक अकाउंट होते हैं, सही है ना, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कैश रखा हुआ होता है, तो वो कैश टोटल कितना है इन हैंड, कितना बैंक में है। बैंक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होता है, डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो वो सब अकाउंटेंट की नॉलेज में होता है, वो हमें बताता है कि हमारे पास टोटल कैश कितना है, हाउ वेल्दी दे आर, हम कितना अमीर हैं, हमारी वेल्थ कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, हाउ मच दे आर ओड एंड हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है ओ का मतलब देने है, IOU मैंने आपको पैसे देने है, यू ओ मी आपने मुझे पैसे देने, सही है। तो अकाउंटेंट हमें बताएगा कि हमने किसके पैसे देने हैं मार्केट में, किस किस से उधार पे हमने गुड्स खरीदी हैं, सप्लायर्स से हमने उनको पैसे देने हैं, और कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने माल बेचा है उधार पे और अब हम उनसे पैसे मांगते हैं, तो ये सब कौन हमें बताएगा, ये हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट बताएगा, सही जी, अकाउंटेंट बताएगा। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैंने आखिरी में लिखा है इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप अ फाइनेंशियल चेक ऑन द थिंग्स दे डू। अकाउंटेंट आपको हर वो इंफॉर्मेशन देगा जो आपको एज अ मैनेजर बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, सही है जी। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रोल है और बहुत ब्रॉड रोल है। आई होप आपको जो है वो अकाउंटिंग का जो रोल है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा कि अकाउंटेंट्स क्या काम करता है। उसके बाद है सर हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर कौन होते हैं, मोबाइल फोन यूजर कौन होते हैं जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूजर कौन होते हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, सही है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं,
जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सही, अब ये जो अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन बना रहा है बैठ के पूरा दिन, ये अपने लिए नहीं बना रहा, ये इंफॉर्मेशन एंड में घर लेकर नहीं जाता, बल्कि ये इन लोगों को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। और ये वो लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। कौन कौन लोग हैं जो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे? ये जो सारे ग्रुप है, ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, लेंडर, ये जो सारे ग्रुप हैं, ये कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक वो नहीं है जो हम खाते हैं, सही है ना, ये वो है STAKE, वो होता है STEAK, सही जी, STAKE। स्टेक को कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स। हर वो ग्रुप जिसको इंटरेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, वो कौन होते हैं भाई, वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो हर वो शख्स जो इंटरेस्टेड है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो कहलाता है स्टेक होल्डर्स। तो ये वो लोग हैं जो डिमांड करते हैं अकाउंटेंट से कि हमें इंफॉर्मेशन दो, अकाउंट डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स है उसको यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सही, उन तो ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा इंटरनल और एक्सटर्नल, हमारे जो है वो ग्रेड 9 के एग्जाम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंटरनल वो है जो अंदर के लोग हैं और एक्सटर्नल वो है जो समझ लो बाहर वाले। सही जी, इंटरनल में सबसे पहले आ गया ओनर। अगर आप बिजनेस के ओनर है तो क्या आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट बुरी जा रही है, पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया है, अगले साल की प्रोजेक्शन क्या है, अगले साल हम कितना कमा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बिजनेस के ओनर है तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए। मैनेजर, नहीं, अब दोनों में फर्क क्या है, एक तो वो है ओनर, सही, जिसने ओन कर रहा है, जिसका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। एक है मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर होता है एम्प्लॉई जिसने पैसा नहीं लगाया, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है और वो बिजनेस को रन कर रहा है। तो देखिए, जो छोटे बिजनेस होते हैं, नॉर्मली छोटे बिजनेसेस के लिए वर्ड यूज होता है सोल ट्रेडर। जरूरी नहीं है कि जो है वो सोल ट्रेडर हमेशा छोटे हो, लेकिन रिलेटिवली दूसरी अगर हम उससे कंपेयर करें, जैसे पार्टनरशिप हो गई, कंपनी हो गई, उसके मुकाबले में सोल ट्रेडर जो है वो छोटे बिजनेस होते हैं। नॉर्मली उसमें ओनर और मैनेजर एक ही होता है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ओन भी आप ही कर रहे हैं, पैसा भी आपका लगा हुआ है, रन भी आप कर रहे हैं। सही, अगर बिजनेस बड़ा हो जाता है और एक से ज्यादा आउटलेट हो जाते हैं तो आप हर आउटलेट को मैनेज नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो ओन तो खुद कर रहे होंगे लेकिन आप दूसरे आउटलेट्स के लिए मैनेजर रख लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल, सारे आउटलेट्स मैनेजर चला रहे हैं, आप जो है आउटलेट में थोड़ी थोड़ी देर जाते हैं और जाके उनसे हिसाब ले लेते हैं। सही है, तो मैनेजर वो है जो बिजनेस को रन कर रहे हैं और ओनर वो है जो बिजनेस को ओन कर रहे हैं। तो मैनेजर को भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि वो बिजनेस को क्या कर सके, इफेक्टिवली रन कर सके। एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन के बारे में। एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल्स में? वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनका पैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी आपके नाम की भी, सही है ना, उनका करियर पूरा जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं सिटी स्कूल का एम्प्लॉय हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कि सिटी स्कूल अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा, या सिटी स्कूल प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, सिटी स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिटी स्कूल डाउनफॉल पे गया खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब सिटी स्कूल डूबेगा, साथ साथ उसके सारे टीचर्स भी डूबेंगे। क्योंकि मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, और मैं जो है वो सिटी स्कूल के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, किसके लिए, अपने जो है वो लाइवलीहुड के लिए। अरे पसंद, तो इसीलिए बींग एन एम्प्लॉय भी आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टर वो लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, हमें प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेंडर्स भी जो है वो एक तरीके से ऐसा ही है, जो हमने लोन लिया है ये हमारे लेंडर्स हो गए, सही जी, बैंक से अगर लोन लिया। सप्लायर्स वो लोग हैं जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सही, उनको क्यों जरूरी है इन्फॉर्मेशन? उनको इस बात की फिक्र है कि हमने जो माल दिया है उधार पे, वो हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो ये देखना चाहेंगे कि पिछले साल आप कितने दिन में पैसे देते थे और इस बार आप कितने दिन में पैसे दे रहे हैं। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार हमारा बिजनेस सिक्योर रहेगा इनके साथ या नहीं रहेगा। कस्टमर्स को क्या फिक्र है भाई, कस्टमर्स को क्यों हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए? जो छोटे मोटे कस्टमर्स हैं वो तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े कस्टमर्स हैं जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, सही है जी, वो बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सही, जैसे अब यूनिलीवर है, यूनिलीवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। सही, अब इम्तियाज सुपरमार्केट जो है वो यूनिलीवर का कस्टमर है, इम्तियाज सुपरमार्केट भी इंटरेस्टेड होगा यूनिलीवर की एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि इम्तियाज को पता है कि मेरी लाखों रुपए की जो सेल है वो सिर्फ यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स बेच के हो रही है। अगर यूनिलीवर बंद हो गई तो उससे इम्तियाज को भी जो है वो नुकसान हो सकता है। सही है, टैक्स अथॉरिटीज भी इंटरेस्टेड है हमारी इंफॉर्मेशन में। क्यों? टैक्स अथॉरिटीज ये देखना चाह रही है कि आप टैक्स पूरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप टैक्स में चोरी तो नहीं कर रहे, सही है ना, जितना टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है वो पूरी पे कर रहे हैं या नहीं कर। गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि आप एक अच्छे
कॉर्पोरेट सिटीजन है या नहीं, सही है ना? आप जो आपकी हरकतें क्या सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर रही, आप जॉब क्रिएशन कितनी अच्छी कर रहे हैं, आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं क्या आप वहां पे एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट तो नहीं कर रहे, सही है? तो इस चीज में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ऑडिटर्स जो है उस पर भी हम बात नहीं कर सकते, थोड़ी सी बड़ी बात है, और जनरल पब्लिक जो है किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंटरेस्टेड हो सकती है, हो सकता है वो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो आपके, और वो ओनर बनने के या इन्वेस्टर बनने में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी देखना चाह रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हमने ये बात की, भाई ये लोग हैं यूजर्स या स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, सही? यूजर को स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। आगे है डेटा और इंफॉर्मेशन, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या, सही? अब जरा मिसाल के थ्रू अगर बात कर लें, मिसाल यह देखें, ऐसा होता है कि एक होती है वुड, सही है? एक जो है वुड कटर जो है लकड़हारा, लकड़हारा क्या गया, वुड कटर गया वुड्स में, जंगल में गया और वहां से क्या किया उसने, लकड़ियां काट कर लाया, सही है? अब वो जो लकड़ियां हैं वो समझ लें क्या है, वो है डेटा। अब वो जो लकड़ी है उसका इतना रेट नहीं है, क्यों? लकड़ी जो है वो जो रॉ फॉर्म में है जो काट के लाया है वो, उसका इतना रेट नहीं है। क्यों उसका इतना रेट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज क्या है, जिसको नहीं पता होगा इसका यूज, वो या तो उसको जला के, आग जला के उस पर खाना पका लेगा, या तो सर्दी में उस लकड़ियों को जो है वो सेक के उस पर हाथ सेकेगा, ये काम करेगा ना लकड़ी से, वो क्या करेगा, या तो वो अपनी छत वत पे डाल देगा। लेकिन एक होता है कारपेंटर, कारपेंटर को लकड़ी की समझ होती है, उसको पता होता है कि भाई कौन सी लकड़ी बर्माटीक है, कौन सी लकड़ी जो है वो संदलवुड है, और कौन सी लकड़ी जो है वो दूसरी है, सही है? तो पर्तल है या इस तरीके से दयार की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, सही? तो इस तरीके से लकड़ी की डिफरेंट टाइप्स है। अब उसको पता है यार इस लकड़ी से मुझे क्या इस्तेमाल करना है, इससे मैं चेयर बनाऊं, इससे मैं फर्नीचर बनाऊं, इससे मैं डेस्क बनाऊं, तो वो क्या करेगा, कारपेंटर अपने क्राफ्ट का जो है वो मास्टर है, और वो उस लकड़ी को कन्वर्ट करेगा डिजाइनर फर्नीचर में, और वो फर्नीचर फिर लाखों रुपए का बिकेगा। अरे भाई साहब, तो ऐसी मिसाल है कि डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में है, ये वुड की तरह है, और जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई तो वो बहुत ही प्रेशियस हो गई, और वो समझ लें फर्नीचर बन गई, और उसका अब दाम, उसका रेट बहुत बढ़ चुका है, सही है? तो ये डिफरेंस है। डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज या रॉ फॉर्म है, क्या कह रहा है, डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस, एक ऐसी चीज जो प्रोसेस नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ यार देखो पाकिस्तान की आबादी इतनी हो गई, वैसे ही हम बात कोई और कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार देख ले यार पाकिस्तान की आबादी इतनी हो गई, तो आप बोलेंगे यार यार मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मुझे क्यों बता रहा है आबादी की, सही है? मुझे क्यों बता रहे हो आबादी के बारे में? मैंने बोला भाई देखो बलूचिस्तान का एरिया इतने 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 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आप बोलोगे यार क्या तुम पागल वागल हो गए, मुझे इस वक्त बलूचिस्तान के एरिया का क्या करना है, मैं कोई तालिबान हूँ, मैंने क्या करना है वहां जाके, भाई मुझे क्यों बता रहे हो ये सारा? तो वो है तो फैक्ट, मैं गलत बात नहीं बता रहा, लेकिन वो उस बात का कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं, सही? आपने मुझसे कोई चीज मांगी नहीं है ऐसी डेटा या इन्फॉर्मेशन, और मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये रॉ फॉर्म कहलाएगा। कह रहे हैं डेटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड सीमिंगली रैंडम एंड यूजलेस अंटिल इट इज ऑर्गेनाइज, वो बातें मेरी रैंडम है और वो क्या है अनऑर्गेनाइज है जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं हो जाती, और जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू मेक इट यूजफुल, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जब वो यूजफुल हो जाती है, और जब अकाउंटेंट से कहा जाता है कि यार एक रिपोर्ट बनाकर दो और ये बताओ कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था और इस साल कोविड की वजह से हमारा प्रॉफिट कितने से गिर गया, सेल्स पिछले साल कितनी थी, तो ये आखिरी क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और इस क्वार्टर में कितनी होगी, तो ये क्या बन गई, अब ये बन गई इंफॉर्मेशन, सही है? डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा, और इस डेटा को कौन प्रोसेस करता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है अकाउंटेंट। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, एक है अकाउंटिंग और एक है बुक कीपिंग। जी बेटा क्या फर्क है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में? यार देखें, एक होता है बुक कीपर और एक होता है अकाउंटेंट। मिसाल से समझें, आप गाड़ी सही करवाने गए, सही है? तो वहां पे एक होता है उस्ताद, सही है ना, असलम उस्ताद, कोई भी नाम ले लें, असलम उस्ताद। अब वो जो असलम उस्ताद है भाई, वो बहुत ही बिजी है, उसको तो भाई टाइम ही नहीं है, सही ना, बहुत बिजी है। और वो जो है वो असलम उस्ताद क्या कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं छोटे। हाँ भाई छोटे जो है वो साहब की गाड़ी साइड में लगवा दे, छोटे इसका जो है वो पाना ले आ, छोटे इसका एक काम कर ऑयल चेक कर, सही है, छोटे ये जो है वो नट खोल दे,
तो छोटे मोटे काम सारे कौन कर रहा है, छोटा कर रहा है। और जो टेक्निकल फॉल्ट है कि गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही, सेल्फ ही नहीं उठा रही, अब ये छोटे की समझ से बाहर है क्योंकि उसका दिमाग अभी छोटा है। सही, अकाउंटेंट उस्ताद है, वो क्या करेगा, अच्छा दिखा भाई गाड़ी दिखा, चेक करेगा या वहां से, अच्छा ये मसला है देखा मैंने पकड़ लिया, तो वही वो क्या है अकाउंटेंट अपना जो है वो फॉल्ट पकड़ेगा। तो जो हाई लेवल के काम है वो कौन कर रहा है, वो उस्ताद कर रहा है, उस्ताद यहाँ पे अकाउंटेंट है। और जो छोटे लेवल के टास्क कौन कर रहा है, वो बुक कीपर का, हालांकि ज्यादा मेहनत का काम सही है वो क्या है, वो है बुक कीपर का काम, क्योंकि सारा डेटा को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना ये किसका काम है, बुक कीपर का। फिर उस डेटा को प्रोसेस करना और उससे इंफॉर्मेशन बनाना ये किसका काम है, ये अकाउंटेंट का काम। सही जी, इनकम स्टेटमेंट बनाना आगे आप पढ़ेंगे, सही, बैलेंस शीट बनाना। तो ये जो बड़े बड़े लेवल के काम है ये कौन करेगा, लेकिन मसला ये है अगर छोटा अपना काम सही से ना करे तो जो उस्ताद है वो परेशानी में आ सकता। कैसे, एक गाड़ी ऑन नहीं हो रही, छोटे को कहा गया उस्ताद की तरफ से कि चेक कर गाड़ी में ऑयल है या नहीं, छोटे ने चेक किया लेकिन उससे गलती हो गई, ऑयल नहीं था, और उसने बोला उस्ताद ऑयल पूरा है, क्या बोला उस्ताद ऑयल पूरा है। तो उस्ताद लगे हुए भाई साहब 2 घंटे हो गए, उस्ताद का दिमाग खराब हो गया यार, सब कुछ बदल के देख लिया, गाड़ी ऑन ही नहीं, गाड़ी हीटअप हो रही। बाद में किसी ने बोला यार चेक तो कर लो ऑयल, बोले यार छोटे को तो बोला था ऑयल चेक करने का, एक बार चेक कर। उस्ताद ने चेक किया भाई ऑयल ही नहीं, उस्ताद का हो गया दिमाग खराब। अब उस्ताद ने क्या किया छोटे के साथ, इसके बारे में रावी खामोश है। सही है जी, लेकिन आप बताएं अगर बुक कीपर अपना काम नहीं करेगा सही से तो क्या अकाउंटेंट का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल। तो बुक कीपर ने अगर बुक्स को रिकॉर्ड करने में कोई एरर कर दिया तो अकाउंटेंट उससे फिर जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाएगा वो भी मीनिंगफुल नहीं। तो ये रोल है भाई बुक कीपिंग और अकाउंटेंट।